सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरे। एरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ना कि सिर्फ सी प्लस प्लस में। अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी आप एरे यूज़ करेंगे। एरे का यूज़ होता है, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डेटा स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एरे ही एरे आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम आपको बताएंगे ये एरे होता क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन, मतलब इसका यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, इसका प्रोग्राम कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एरे का मेन मकसद क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए बनाने का। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट आर स्टोर्ड सिक्वेंशली इन मेमोरी। अगर आप सेम तरह का डेटा टाइप यानी सेम तरह का वैल्यू को स्टोर करके रखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में कलेक्शन के फॉर्म में, तब आप यूज़ करेंगे एरे। और ये एरे का खासियत क्या होता है कि आपका जितना भी सेम टाइप का वैल्यू रहेगा ना, वो आप एरे के एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, वो भी सिक्वेंस फॉर्म में। यानी ऐसा नहीं कि एक वैल्यू किसी रैंडम मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया, दूसरा किसी रैंडम मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया, बिल्कुल नहीं। वो क्या होता है, डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग सिक्वेंशियली स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। लेकिन एरे में आपको याद क्या रखना पड़ेगा पढ़ने से पहले, द इंडेक्स ऑफ द एरे ऑलवेज स्टार्ट्स विद जीरो। एरे का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, आप इस बात का ध्यान में रखिएगा। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आपसे, अगर एरे का क्वेश्चन आएगा तो ये रहेगा। एग्जाम्पल देख लो एरे कैसे बनता है। अगर मान लो हमारे पास सेम टाइप का मल्टीपल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखो 10, 20, 30, जितना भी सेम टाइप का वैल्यू है उसको आप एक सिंगल वेरिएबल में रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एरे का वेरिएबल, इसका साइज यहाँ पे 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू है, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट क्या है, एरे स्टोर्ड एलिमेंट्स कंटिन्यूअस इन मेमोरी। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन में इसका वैल्यू यानी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। तो वो कैसे आप पता करेंगे, मान लीजिए हमने 5 साइज का एरे बनाया, तो यहाँ पे देखो 5 वैल्यू है हमारे एरे में। स्टार्टिंग इंडेक्स देख लो 0 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, अगर साइज 5 है तो एक कम तक एंडिंग इंडेक्स होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर, 0 इंडेक्स पे 10 है, ठीक है। इसका मान लो अगर एड्रेस है 1000 इस जीरो इंडेक्स का, तो ये 20 वाला इंडेक्स का एड्रेस होगा 1004, क्योंकि ये एरे का टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर टाइप का एरे है, तो इंटीजर का साइज होता है 4 bytes। तो ये ऐसे ही 4 bytes के सीक्वेंस में क्या होगा, स्टोर होगा सारा वैल्यू, ठीक है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। तो अभी चलो हम आपको प्रैक्टिकली शो कर रहे हैं कि एरे हम कितने टाइप से बना सकते हैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, और एरे हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को चलिए हम प्रोग्राम के जरिए प्रैक्टिकली जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम एरे क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। मान के चलिए हमारे पास रिक्वायरमेंट आया है कि हमें एक ही टाइप का बहुत सारा वैल्यू स्टोर करना है और उसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब एरे नहीं था तो काम कैसे होता था, मान लीजिए 5 सेम टाइप का वैल्यू है, तो 5 वैल्यू के लिए हमें 5 वेरिएबल्स बनाने पड़ते थे। मान लीजिए एक वेरिएबल में हमने 10 को स्टोर कर दिया, ठीक है, फिर हम वेरिएबल बनाते थे दूसरा, उसमें 20 एक और बनाना पड़ेगा, मतलब जितना वैल्यू रहेगा हमारे पास, इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता था, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सेपरेट वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ता था। 5 वैल्यूज़ है हमारे पास, तो 5 वेरिएबल्स हमने इस तरीके से बनाया, फिर क्या करना पड़ता था, हमें उन्हें प्रिंट करना पड़ता था, ठीक है। बस हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि एरे जब नहीं था तो कैसे होता था काम, ठीक है। एरे को क्यों लाया गया वो पर्पस आपको पता होना चाहिए, ओके। अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो आप आउटपुट में देखिएगा 5 वैल्यूज प्रिंट होगा टर्मिनल में, यहाँ पे देखो 5 वैल्यूज प्रिंट हो गया। तो देखो आप, अगर मान लीजिए 5 वैल्यूज़ का रिक्वायरमेंट था हमारे पास, तो हमने 5 वेरिएबल्स बना लिए, और अगर इसी तरह 100 वैल्यूज़ हो तो क्या हम 100 टाइम्स वेरिएबल क्रिएट करेंगे, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि एक वेरिएबल में ही हम सभी वैल्यूज़ को स्टोर कर लें, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे एरे टाइप का, ये हो गया एरे टाइप का वेरिएबल। अगर हमें 5 वैल्यू इसमें स्टोर कराना है तो इसका साइज यहाँ पे हम 5 रख देंगे, ठीक है। और एक सिंगल वेरिएबल के अंदर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सभी वैल्यूज़ को रख सकते हैं, ठीक है। देखो एक वेरिएबल में अभी मल्टीपल वैल्यू रख रहे हैं, और ये एरे तभी काम करेगा मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके प्रिंट करने में, जब आपका वैल्यू सेम टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे देखो सभी नंबर है, ठीक है, इंटीजर का जैसा। उसके बाद अभी हम एक लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसका नेम होगा फॉर लूप, और इसका ये हो गया सिंटैक्स। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और इसका वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि एरे का बेसिक इंडेक्स 0 होता है, यानी ये जो पहला वैल्यू 10 है ये 0 पोजीशन पे स्टोर होगा, ठीक है।
उसके बाद ये जाएगा, जब जीरो से स्टार्ट है तो फाइव से एक कम तक चलेगा लूप, ठीक है। और आई का वैल्यू बढ़ाएंगे, बढ़ा क्यों रहे हैं यहाँ पे आई का वैल्यू, ताकि 10 के बाद 20 भी प्रिंट हो, फिर 30 में भी जाए, ये भी प्रिंट हो जाए, ये भी प्रिंट हो, इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे आई को प्रिंट करेंगे। आई को क्यों प्रिंट कर रहे हैं हम आपको बता देंगे, उसके बाद हम एंडल यूज़ कर देंगे न्यू लाइन के लिए। आई को इसलिए प्रिंट कर रहे हैं, जब आई का वैल्यू ज़ीरो रहेगा ना तो ए ज़ीरो प्रिंट होगा, तो ए ज़ीरो में 10 है। उसके बाद जब आई का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, तो कंडीशन तो 1 <5 ट्रू रहेगा, तो एरे 1 प्रिंट होगा, तो एरे 1 पे देखो 20 है। फिर आई का वैल्यू इसी तरह बढ़ के जब 3 होगा, तो 3 <5 कंडीशन ट्रू रहेगा, तो ए 3 में क्या है, 30 है। तो इस तरीके से सभी वैल्यू प्रिंट में हमें चाहिए, इसीलिए एरे आई को प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि आई का वैल्यू इंक्रीज कर रहा। अभी अगर हम प्रोग्राम को रन कर दें तो आप देखना ये प्रिंट हो गया एरे का एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने जरूर जान लिया होगा यहाँ तक कि हम एरे क्यों यूज़ करते हैं, एरे का क्या यूज़ है, क्या पर्पस होता है एरे यूज़ करने का, ठीक है। अभी तो देखो हम वैल्यू पहले से ही इसमें स्टोर कर दिए थे, लेकिन अगर हम चाहें तो प्रोग्राम जब रन हो तो रन टाइम में भी वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट कैसे लेंगे, इसी प्रिंट वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे हम एक सी आउट स्टेटमेंट चला देंगे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे, और इनपुट ले रहे हैं तो हम सी इन यूज़ करेंगे, ओके। एरे आई में ही इनपुट लेंगे, जब एरे आई में इनपुट ले लेंगे हम, तो एरे आई को ही यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। और अभी हम चाहते हैं कि स्पेस में वैल्यू प्रिंट हो एक ही लाइन में, ठीक है। देखो यहाँ पे एंटर एरे एलिमेंट्स बोल रहा ना, हम इनपुट कर देते हैं 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम 5 वैल्यू इनपुट किए थे, 5 वैल्यू प्रिंट हो गया। तो ऐसे आप रन टाइम में भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो आपको कोई बोल दे कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाओ, यानी रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले ये 14 प्रिंट होना चाहिए, जो लास्ट में इनपुट किए हैं वो पहले प्रिंट हो, उसके बाद ये प्रिंट हो, उसके बाद ये, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बस इस लूप को आपको रिवर्स ऑर्डर में घुमा देना है, ओके। ग्रेटर देन इक्वल 0 से स्टार्ट करेंगे पोजीशन, तो एक कम तक जाएगा, यानी 4 तक जाएगा, ओके। उसके बाद माइनस माइनस, बस रिवर्स ऑर्डर में घूम जाएगा एरे का एलिमेंट। अभी देखो, अभी हम जो भी एलिमेंट सबसे पहले इनपुट करेंगे ना, सबसे लास्ट में प्रिंट होगा, देखिएगा। ये देखो 76 सबसे पहले आया, ठीक है। 45 सबसे पहले किए थे तो सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये होता है C++ का एरे। एरे का जो भी एलिमेंट हम इनपुट करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो वो प्रिंट होता है वो सीक्वेंस ऑर्डर में प्रिंट होता है। सीक्वेंस ऑर्डर में प्रिंट होता है कि नहीं आपको अगर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को। मान लीजिए मुझे जो भी हम एरे के सेकेंड पोजिशन पर एलिमेंट इनपुट करेंगे सिर्फ वही प्रिंट में चाहिए, तो एरे का सेकेंड पोजिशन होता है 1। तो अभी सिर्फ एरे का 1 वाला पोजिशन का एलिमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। चलो इसको हम रन करते हैं, और यहाँ पे 5 एलिमेंट कुछ भी जल्दी से इनपुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देखो एरे का ये 0 पोजीशन हो गया, और ये 1 पोजीशन, तो 1 पोजीशन पे 23 है, तो सिर्फ 23 ही प्रिंट हुआ है, लेकिन 5 टाइम्स इसलिए प्रिंट हो गया क्योंकि इसको हम लूप के अंदर प्रिंट किए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम, अगर हमें एक एलिमेंट चाहिए होगा तो हम लूप क्यों यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही प्रिंट होगा, हम पर्टिकुलर एलिमेंट को भी टारगेट करके उसे एक्सेस कर सकते हैं एरे में, ये एडवांटेज भी होता है, ठीक है। देखो अभी हम एरे का 1 पोजीशन पे क्या इनपुट किए थे, 78, तो देखो यहाँ पे 78 प्रिंट हुआ है, ये रिजल्ट एरे है, ठीक है, रिजल्ट है ये वाला। तो ये होता है C++ में एरे, एरे हम क्यों यूज़ करते हैं, एरे कैसे बनाते हैं, हमने आपको अच्छे से समझा दिया। एरे क्या होता है, देखो एरे एक वेरिएबल है जिसमें हम सेम टाइप का मल्टीपल वैल्यू इनपुट कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं, वो भी कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन में, यानी कंटिजियस फॉर्म में। जैसे A1 में हमारा जो भी हम इनपुट करेंगे उससे पहले A0 में कोई एलिमेंट रहेगा, उसके बाद A2, A3, A4, A5 इस तरीके से कंटिजियस फॉर्म में वो इनपुट होगा, ठीक है, प्रिंट होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।